हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि हम आपके सामने भारत के प्राचीन मंदिर और खासकर वो मंदिर जो अधिकतर लोगों की जानकारी में नहीं है उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करें। इसी सिलसिले में जब हमारे पास थोड़ा समय था तो हम निकल चले एक गांव जिसका नाम हुली है। अब हम उस मंदिर की तरफ चलेंगे। ये रास्ता आप देख रहे हैं, उस मंदिर को पहुंचने का केवल यही एक रास्ता है। एक छोटी सी चैनल नज़र आई, कुछ भेड़ बकरियां थीं और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां, कुछ पशु मिले। अगर अकेला आदमी आएगा तो शायद यहां नहीं पहुंच पाएगा। लकीली गांव का एक छोटा लड़का जिसका नाम प्रशांत था, करीब 12-13 साल की उम्र होगी, वह हमारे पीछे पीछे आने लगा। उसी के कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। ये एक पहाड़ी हम देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी पहाड़ी है। और यह जो मंदिर अभी हम चलेंगे, मैं नहीं जानता इस मंदिर का नाम क्या है। ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हमें मंदिर का नज़ारा मिलेगा। यह जो गाँव है, इसे मंदिरों का गाँव पुराने ज़माने में कहा जाता था। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि एक मंदिर को छोड़कर बाकी सारे मंदिरों की हालत, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन मंदिरों का ध्यान न तो यहाँ के लोकल लोग रख पाते हैं और ना ही कहीं पर किसी भी सरकारी तंत्र का इंटरेक्शन मिला। यह जो प्राचीन मंदिर है, ये टिपिकल चालुक्यन स्टाइल के पिलर्स नज़र आते हैं। और यह एक सिंगल मंदिर नहीं है, यह एक बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स है। और मुझे तो यह पुराने समय में ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे और हो सकता है यहाँ पर एक छोटी यूनिवर्सिटी या स्कूल जरूर रहा होगा। प्रोबेबली इसे हम एक अग्रहारा, पुराना अग्रहारा का रूप लगता है मुझे, सच क्या है मैं नहीं जानता। यह जो सामने एक छोटा सा स्टेप टैंक बना हुआ है, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए शायद बनाया गया होगा। इसके दाईं तरफ एक गुफा है, उसमें हम बाद में जाएंगे। और यह सुंदर प्राचीन मंदिर हमारे सामने है। इसकी छत कई जगह से टूट गई है, पिलर्स बहुत ही सुंदर हैं, टिपिकल वेस्टर्न चालुक्यन आर्किटेक्चर मुझे लगती है। बाईं तरफ भी एक और कुछ टूटे हुए पिलर हमें मिले। छोटा सा मंदिर है। अब हम इस कमरे को रोटेट करेंगे। आसपास जंगल उगाया है। लेफ्ट साइड में ये जो गुफा जैसी नजर आ रही है, यह पहाड़ के अंदर बनाई गई है। काफी बड़ा हॉल है, इसमें हम थोड़ी देर में जाएंगे। मंदिर के टूटे हुए पिलर हमें नीचे नजर आ रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उसकी भव्यता हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ पैरापट वॉल बनी हुई है और बीच में एक स्क्वायर मंडप है। स्क्वायर मंडप चार सुंदर स्तंभ, जो कि लेथ पिलर्स जिन्हें कह सकते हैं, उन पर खड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर नजारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हर पिलर को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। यह जो अंतराल है, अंतराल का एक खंभा टूट गया है, यह बीम कभी भी गिर सकती है। यह देखिए, अब हम आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। पहाड़ के कुछ पत्थर नीचे गिरे हैं। यह पहाड़ जो है सैंडस्टोन का पहाड़ है और इसी पहाड़ को काटकर शायद ये सैंडस्टोन के पिलर्स बनाए गए थे। कुछ पिलर्स सैंडस्टोन के हैं और कुछ पिलर्स प्रोबेबली ब्लैक स्टोन या क्लोरेटिक शिष्ट मुझे लगता है उसके बने हुए हैं। यह अंतराल का दृश्य है, जिसे हम वेस्टिब्यूल भी कह सकते हैं। उसके ऊपर कोई गजलक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिली, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो गर्भगृह के द्वार पर बहुत सुंदर नक्काशी हो रही है। और यहाँ पर हमें गजलक्ष्मी की मूर्ति मिलती है, जो कि गजलक्ष्मी जी के दाएं और बाएं तरफ दो हाथी हैं जो उन्हें पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु, खासकर गाय, भैंस, बैल, बकरी
अलग अलग तरह के पशु नजर आते हैं। इन सबके जो सिर हैं वो अलग अलग पशुओं और पक्षियों के हैं, लेकिन शरीर एक घोड़े जैसा नज़र आया मुझे। यहाँ पर हमें कुछ आकृतियाँ नज़र आईं, कुछ फ्लोरल प्रिंट्स हैं, जो फ्लोरल स्क्रॉल नज़र आ रहा है उसके बीच में जो व्यक्ति बने हैं वो सभी कोई न कोई वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। नीचे कुछ आकृतियां और बनी हैं, इनमें द्वारपाल का भाव आता है। कुछ स्त्रियों की सुंदर आकृतियां भी नजर आईं। रोशनी थोड़ी कम है इसीलिए वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। दाएं और बाएं तरफ करीब करीब एक जैसे ही पैनल्स और आइकोनोग्राफी हम पाते हैं। यहाँ एक हमें हाथी, घोड़े, बैल, इस तरह के कुछ पशु, जिन पर हर पशु पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, और एक पशु जो है एक मनुष्य को भी पशु के रूप में दिखाया गया है, उसके ऊपर भी दो व्यक्ति बैठे हैं। आकृति बहुत सुंदर है। यह दृश्य है गर्भगृह से बाहर का। रोशनी बाहरी मंडप में अधिक थी, इसीलिए जो लाइट के पैटर्न्स बन रहे हैं और सैंडस्टोन का जो भाव है बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो आउटर वॉल है उनके जो पिलर्स हैं उसकी ऊपर की छत टूटी हुई है। अब हम धीरे धीरे मुख्य मंदिर के बाहर आ गए हैं। यह मुख्य मंदिर के बाहर का दृश्य है। कुछ टूटे हुए खंभे पिलर्स हमें यहाँ मिले, और यहीं पर एक पहाड़ के नीचे एक गुफा बनाई गई है और उस गुफा को एक हॉल का रूप दिया गया है। ऊपर आप पहाड़ को देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। इस पर किसी भाषा में कुछ लिखा है, मैं नहीं पढ़ पाया। यहाँ इन्होंने पहाड़ के साथ ही कुछ खंभे लगाए हैं और ऊपर बीम्स भी लगाई हैं। हमारे कन्नड़ साथी अगर इसे पढ़ पाएं जो कन्नड़ में लिखा है। यह हॉल प्रोबेबली लोगों के रहने के लिए बनाया गया होगा। बाहर का दृश्य है। मुझे समाहु ऐसा लगता है कि यह मंदिर एक समय में एक स्कूल रहा होगा, जहां पर लोग स्टूडेंट्स आकर पढ़ाई करते होंगे। यह एक कॉमन पानी भरने की जगह रही होगी। यह वही दृश्य है मंदिर का। इसके मंदिर के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर और कुछ लोगों के रहने के स्थान बने हुए हैं। बगल में एक छोटा सा और मंदिर मिला जो काफी ध्वस्त स्थिति में है, ऑलमोस्ट टूट चुका है। यहाँ पर किसी भी सरकारी संस्था ने या यहाँ के लोगों ने शायद कभी रुचि नहीं ली है, इसी कारण इतना सुंदर मंदिर इस जीर्ण अवस्था में मिला। हमारे दो साथी भी हमारे साथ आए थे और जगह बहुत ही सुंदर है। आसमान में काफी बादल थे, बादलों के कारण कभी धूप कभी छांव हो रही थी, इसलिए आपको बीच बीच में कहीं कहीं पर वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी नजर आएगी और कहीं कहीं पर खराब नजर आएगी। ये सामने एक बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी झील है, वहां हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये नीचे का दृश्य है। अब हम जो एक रहने का अलग से स्थान बना था वहां और जो मंदिर है उसके पीछे के भाग में भी चलेंगे।
यहाँ से पहाड़ी का लुक बड़ा क्लियर नजर आता है। सैंडस्टोन की यह पहाड़ी, शायद इसी पहाड़ी के पत्थरों को लेकर ये सैंडस्टोन की बीम्स और पिलर्स बनाए गए हैं। यह साइड का व्यू है मंदिर का। बहुत ज्यादा वेजिटेशन थी, बबूल के बहुत सारे पेड़ थे। यह सामने का जो दृश्य है, इसके अंदर जब हम चलेंगे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे रहने के रूम्स मिलेंगे, कुछ किचन्स भी मिलेंगे, लेकिन इस समय इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यह ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुका है। किसी तरह से खंबे, बीम्स और रूफ को संभाले हुए हैं। दीवारें ऑलमोस्ट टूट गई हैं। दीवार का कंस्ट्रक्शन देखने से पता पड़ता है कि पत्थरों को बिना तराशे हुए मिट्टी के साथ दीवार बनाने में प्रयोग किया गया है। ये एक समय में यहाँ छोटे छोटे रूम्स रहे होंगे। यह कॉमन हॉल का नजारा लगता है। तीनों तरफ छोटे छोटे रूम्स का मुझे भाव आ रहा है। पीछे हम एक झील को देख सकते हैं। इस हॉल की जो दीवारें हैं, रूम्स की जो दीवारें हैं, पत्थरों की बनी हुई थी, जिनकी चिनाई गीली मिट्टी से की गई थी। यहाँ पर कुछ पुरानी जली हुई लकड़ियाँ मिली, इससे लगता है यहाँ पर शायद कहीं कभी भोजन भी बनाया जाता होगा। यहाँ सामने हमें दो मंदिर नजर आ रहे हैं। एक मंदिर का नाम अंधकेश्वर है, उसी के बगल में एक दूसरा मंदिर है, वह भी काफी बुरी स्थिति में है। यहाँ गांव के लोग भुट्टा यानी कि मेज़ को उगाते हैं। नीचे मेज़ काफ़ी पड़े थे। जब यह ओरिजिनली मंदिर बना होगा या प्रयोग में रहा होगा, कितना सुंदर होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। छत की हाइट करीब 6 फुट के आसपास थी, हल्का सा झुककर चलना पड़ा। अगर भारत के नागरिक और इस गांव के लोग चाहें तो इस मंदिर की स्थिति डेफिनेटली बहुत अच्छी की जा सकती है। थोड़ा सा साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दिस कैन डेफिनेटली बी डेवलप्ड एज अ मेजर टूरिस्ट स्पॉट एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प दी विलेज पीपल ऑल्सो, बट देर वॉज अ टोटल लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एम्पैथी विद दिस एंशियंट टेम्पल। ये गर्भगृह का दृश्य है। बाहर से पूरी तरह से खराब हो चुका है, हर तरफ जंगल उगा हुआ है। बहुत कम लोग यहाँ पर आते होंगे ऐसा मेरा मानना है। ऑलमोस्ट हर चीज टूट रही है, गिर रही है, लेकिन अभी भी समय है। अगर अभी भी लोग साथ में आ जाएं तो यह प्राचीन मंदिर बच सकता है। मुझे इस मंदिर की लोकेशन बहुत ही अच्छी लगी। इस मंदिर को किसने बनाया, कब बनाया, कोई जानकारी नहीं है। इस मंदिर का नाम क्या है, यह भी मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक समय में यह मंदिर बहुत ही सुंदर रहा होगा। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। यह एक छोटा सा मंदिर जो हमने आपको पहले दिखाया था। हम लोग ऐसे क्यों हैं? Why can't we take care of our temples? I do not understand. Anyway, आपने वीडियो देखा, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं।